मेरा ये व्याख्यान उन विद्यार्थियों के लिए है विशेष रूप से जो सामाजिक अनुसंधान से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं, किसी भी सामाजिक घटना का अध्ययन करना चाहते हैं। आज के मेरे इस व्याख्यान का विषय है सरणियों के प्रकार, और उसमें भी बहुगुणी सरणी पर केंद्रित आज का मेरा ये व्याख्यान है। सरणियन सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, एक महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि जब हम सामाजिक अनुसंधान करते हैं, घटना का अध्ययन करते हैं, तो घटना से संबंधित विभिन्न तथ्यों को विभिन्न सरणियों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। तो तथ्यों को सरणियों के माध्यम से प्रस्तुत करना सरणियन कहलाता है। और अगर मैं ये कहूँ कि कोई भी समाजशास्त्रीय अध्ययन ऐसा नहीं है जिसमें कि तथ्यों को प्रस्तुत करने के लिए सरणियों का प्रयोग नहीं किया जाता हो, सरणियां कई प्रकार की होती हैं, लेकिन प्रमुख रूप से एकगुणी सरणी, द्विगुणी सरणी, त्रिगुणी सरणी और बहुगुणी सरणी। एकगुणी सरणी के अंतर्गत किसी भी घटना या उस घटना के किसी एक पहलू को जब हम सरणी के माध्यम से दर्शाते हैं तो उस सरणी को हम एकगुणी सरणी कहते हैं। जब किसी घटना के या घटना से संबंधित किसी पहलू के दो गुणों को किसी सरणी के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं तो उस सरणी को द्विगुणी सरणी कहते हैं। जब एक घटना के तीन गुणों को या घटना से संबंधित किसी पहलू के तीन गुणों को या घटना के तीन पहलुओं को एक साथ प्रस्तुत करते हैं संख्यात्मक रूप में, और तो ऐसी सरणी को हम त्रिगुणी सरणी कहते हैं। और जब किसी घटना या उसके पहलू से संबंधित चार गुणों को या 40 गुणों को या 10 गुणों को या 50 गुणों को एक साथ प्रस्तुत करते हैं तो उस सरणी को हम बहुगुणी सरणी के नाम से जानते हैं। बहुगुणी सरणी, ये सच है कि इसका निर्माण अन्य सरणियों की अपेक्षा में की तुलना में थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि इसमें समय भी थोड़ा ज़्यादा लगता है सरणी बनाने में, तथ्यों को एक साथ प्रदर्शित करने में। और यह अपेक्षा की जाती है अनुसंधानकर्ता से कि जब बहुगुणी सरणी का निर्माण किया जाए या प्रयोग किया जाए तो वो विशेष ध्यान इस बात पर दे कि कहीं कोई तथ्य गलत प्रस्तुत ना हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारे तथ्यों को एक साथ प्रस्तुत किया जाता है। मैं यहाँ एक बड़े सरल उदाहरण के साथ बहुगुणी सरणी को समझना चाहूँगा। उदाहरण के लिए, यदि मैं राजकीय महाविद्यालय जयपुर के विद्यार्थियों की संख्या विभिन्न सत्रों में जानना चाहता हूँ और यदि मुझे इसके लिए बहुगुणी सरणी का प्रयोग करना है तो उसके लिए पहला स्तंभ होगा सत्र का, शीर्षक उपशीर्षक के बाद में पहले हम स्तंभ बनाएंगे, पहला स्तंभ सत्र का होगा। और चूंकि मुझे ये बहुगुणी सरणी है, बहुगुणी सरणी में विद्यार्थियों से संबंधित बहुत सारी चीज़ें मुझे एक साथ प्रस्तुत करनी है तो मैं यहाँ वर्ग कैटेगरी वाइज यहाँ पर स्टूडेंट्स को प्रदर्शित करना चाहूँगा। और उसमें पहले तो दो वर्गों में सभी विद्यार्थियों को वर्गीकृत करूंगा, वही दो वर्ग होंगे अनारक्षित अर्थात जिनको आरक्षण नहीं मिलता, और आरक्षित वर्ग के विद्यार्थी अर्थात जिनको विभिन्न कैटेगरीज में आरक्षण मिलता है। उसके बाद अनारक्षित में अगर मैं बात करूंगा सेक्स के बेस पर तो पुरुष और स्त्री या बालक और बालिका, जैसा भी छात्र या छात्रा, दो वर्गों में बांट सकता हूँ मैं इसको। उनमें भी मुझे बांटना है कि इसमें EWS वाले कितने हैं और बिना EWS वाले कितने हैं, तो उसमें भी अलग अलग कर सकता हूँ। तो ये अनारक्षित वर्ग की बात होगी। उसके बाद हम बात करेंगे आरक्षित विद्यार्थियों की संख्या, उसमें SC, ST, OBC, MBC, फिजिकली हैंडीकैप, कश्मीरी, विस्थापित, ये सारे विद्यार्थियों की संख्या एक साथ में ले लूँगा। और जो हमने अनारक्षित में किया, अनारक्षित में हमने किया कि छात्र कितने हैं, छात्रा कितनी है, उनका योग कितना है, छात्राओं का एक अलग स्तंभ बनेगा, छात्राओं का एक अलग बनेगा और योग का एक अलग बनेगा। उसी प्रकार से वही पैटर्न SC में भी हम करेंगे, SC में छात्र कितने थे, छात्राएं कितनी थी, उनका योग कितना था, ST में छात्र कितने थे, छात्राएं कितनी थी, उनका टोटल कितना था, OBC में भी छात्र कितने थे, छात्राएं कितनी थी,
उनका टोटल कितना था। तो ये पैटर्न एससी एसटी ओबीसी एमबीसी फिजिकली हैंडीकैप और कश्मीरी विस्थापित इन सभी के साथ यही पैटर्न फॉलो करते हुए हम लोग सारणी बनाएंगे और अंतिम जो योग इसमें आरक्षित का अनारक्षित का एक अलग योग बनेगा कुल योग और आरक्षित का अलग योग बनेगा और दोनों का कुल योग अंतिम स्तंभ में हम यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। अगर इस प्रकार की सारणी बनती है तो हम समझ सकते हैं कि इसमें एक साथ अनेकों गुणों को हमने प्रस्तुत किया है प्रस्तुत किया है। तो ये सारणी होगी आपकी बहुगुणी सारणी जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, जिसका निर्माण निश्चित रूप से थोड़ा कठिन होता है, लेकिन ये इसका निर्माण या इसके माध्यम से जब तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं तो बहुत सारा समय अनुसंधानकर्ता का ही बच जाता है और जो सारणियों को पढ़ने वाले लोग हैं जो संबंधित लोग हैं जो सारणियों को पढ़ना चाहते हैं या पढ़ रहे हैं तो उनका समय भी बहुत ज़्यादा बच जाता है। क्योंकि अगर हम छोटी सी बात को कि 2010 और 11 में राजकीय महाविद्यालय जयपुर में अनारक्षित वर्ग के इतने विद्यार्थी थे और आरक्षित वर्ग के इतने विद्यार्थी थे, इसी सेंटेंस को लिखना चाहेंगे तो इसमें भी तीन चार लाइन बन जाएंगी। तो अगर हम इतनी सारी चीज़ों को भाषा के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा और वो प्रस्तुतिकरण थोड़ा अरोचक भी होगा, गैर रोचक होगा, उसमें इंटरेस्ट इतना नहीं लेंगे लोग। लेकिन यदि सारणी के माध्यम से इन सभी सूचनाओं को एक साथ प्रस्तुत किया जाएगा तो 2010 से लेकर के और अब तक जितने विद्यार्थी आए हैं, किस किस कैटेगरी में आए हैं, कितने छात्र थे, कितनी छात्राएं थीं, उन सभी को एक पेज पर जो सारणी प्रस्तुत की गई है उस सारणी के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है। और साथ ही जो सूचनाएँ हैं वो भी एकदम फैक्चुअल होंगी, तथ्यात्मक होंगी, इसमें किसी प्रकार का कोई भ्रम भी पैदा नहीं करेंगी। और अगर व्याख्या की बात करें, व्याख्या के माध्यम से अगर हम प्रस्तुत करते हैं तो हो सकता है कि जो पाठक हैं उनमें तथ्यों को लेकर के भ्रम भी पैदा हो सकता है।